हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिज्ञा फूड एंड ट्रेवल्स। दोस्तों, आज के वीडियो में नॉर्थ गोवा में घूमने के लिए जो टॉप 20 प्लेसेस हैं उनकी जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि नॉर्थ गोवा में आप किन किन प्लेसेस पर घूम सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नॉर्थ गोवा जो है अपनी नाइट लाइफ, सी फूड, मौज मस्ती के लिए जाना जाता है। ये साउथ गोवा के मुकाबले ज़्यादा क्राउडेड होता है और नॉर्थ गोवा में घूमने के लिए आपको काफ़ी अच्छे बीचेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, और फिर काफ़ी ऐसी जगह है, काफ़ी फेमस जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो नंबर वन पर है गोवा का फेमस बागा बीच। दोस्तों, बागा बीच नॉर्थ गोवा का एक बहुत ही फेमस बीच है। अगर आपको मस्ती करनी है और समुद्र किनारे नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो आप इस बीच पर जा सकते हैं। बागा बीच के आसपास आपको काफ़ी सारे पब और डिस्कोस वगैरह मिल जाएंगे, तो आप यहां पर रात को भी घूम सकते हैं, डिस्को में जाकर पार्टी भी कर सकते हैं। और बागा बीच पर दोस्तों आपको काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करने को मिल जाएंगी, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, जेट स्कीइंग, वाटर स्कीइंग, बनाना राइड, रिवर क्रूज़, डॉल्फिन ट्रिप, विंड सर्फिंग, वाटर स्कूटर आदि काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो आप बागा बीच पर कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है दोस्तों कलंगट बीच। इस बीच को गोवा के सभी समुद्रों की रानी कहा जाता है। यह जो बीच है ये बागा से लेकर के कोंडोलम बीच तक के बीच में फैला हुआ है और यहाँ पर लगभग हमेशा ही भीड़ रहती है, जो कि इसकी खूबसूरती की वजह से है। इस बीच पर आप दिन हो या रात हो समुद्र में पार्टी कर सकते हैं। इस बीच पर आकर आप यहां पर भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर आपको स्पीड बोट की सवारी, पैरासीलिंग, जेट स्कीइंग, वाटर सर्फिंग, बनाना राइड जैसे एक्टिविटीज़ आप यहां पर कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों अंजुना बीच। अंजुना बीच भी आपको घूमने के लिए, आपके फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। चमचमाती हुई सफ़ेद रेत और अच्छे वातावरण के बीच में यह समुद्र तट जो है वो काफ़ी फेमस है। यह जगह आपके फैमिली ट्रिप के लिए और आपके फ्रेंड्स के साथ में घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर भी आप काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। और अंजुना बीच पर लगने वाला एक जो फ्ली मार्केट है वो भी काफ़ी फेमस है। ये जो फ्ली मार्केट है ये सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक लगता है वेडनेसडे के दिन। फोर्थ नंबर पर है दोस्तों अगुआड़ा फोर्ट। गोवा का ये सबसे पुराना किला है, तो अगर आप समुद्र से दूर किसी शांत जगह पर जाना चाहते हैं और ऊंचाई से समुद्र की लहरों को देखना चाहते हैं तो फोर्ट अगुआड़ा जा सकते हैं। इस किले का जो प्रमुख आकर्षण है वो है यहाँ पर बना हुआ लाइट हाउस, जो कि एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस है। फिफ्थ नंबर पर है दोस्तों चपोरा फोर्ट। समुद्र किनारे स्थित ऊंचाई पर स्थित इस फोर्ट पर आकर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह फोर्ट काफ़ी पुराना है, हालांकि अब इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आमिर खान की फेमस मूवी दिल चाहता है की शूटिंग हुई थी। जब दिल चाहता है की शूटिंग यहाँ पर हुई, उसके बाद से यह किला ज़्यादा फेमस हो गया। सिक्स नंबर पर है दोस्तों अवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। यह चर्च गोवा में पणजी में स्थित है, जो गोवा की राजधानी है। इसका जो निर्माण है वो 1600 ईस्वी में हुआ था। इस चर्च को सफ़ेद रंग से रंगा गया है। व्हाइट कलर का ये चर्च दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों, यहाँ पर चर्च में जाने के लिए 78 सीढ़ियाँ अपने को चढ़नी पड़ती है। इस चर्च में एक बहुत ही बड़ी घंटी लगी हुई है जो कि टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। सेवन्थ नंबर पर है दोस्तों मंगेशी टेम्पल। नॉर्थ गोवा में स्थित यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन शिव मंदिर है। मंगेश भगवान का शिव का ही रूप है, यहाँ पर भगवान शिवलिंग के रूप में स्थापित है। यह मंदिर गोवा की राजधानी पणजी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह शिव मंदिर की सबसे आकर्षण करने वाली चीज़ है, यहाँ पर 7 मंजिला एक दियो का टावर है। 8th नंबर पर है दोस्तों आरपोरा नाइट मार्केट। इसे सैटरडे नाइट मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि यह सैटरडे के दिन शाम को 6 बजे से लेकर लेट नाइट तक लगता है। यह आरपोरा नाम की जगह पर लगता है और ये काफ़ी फेमस मार्केट है। आप यहाँ पर हैंडबैग्स, रग्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और इसके अलावा जूते, कपड़े वगैरह की शॉपिंग कर सकते हैं। 9th नंबर पर है दोस्तों डेल्टन रॉयल कैसीनो। गोवा आकर अगर आपने कैसीनो का मज़ा नहीं लिया तो फिर आपने क्या किया। डेल्टन रॉयल नॉर्थ गोवा का एक बहुत ही फेमस कैसीनो है। ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। क्रूज़ पर स्थित ये कैसीनो 40,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है।
यहाँ पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी घूमने के लिए आते हैं। 10th नंबर पर है दोस्तों गोवा के रेस्टोरेंट्स एंड पब्स। नॉर्थ गोवा मौज मस्ती पार्टी करने वालों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और पब्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पर आप एक शानदार डिनर, ड्रिंक्स और म्यूज़िक वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। गोवा में आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और पब्स मिल जाएंगे पार्टी करने के लिए। 11th नंबर पर है दोस्तों सिंक्वेरियम बीच। सिंक्वेरियम बीच गोवा के नॉर्थ क्षेत्र में स्थित एक छोटे से गाँव में स्थित है जो कि गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बीच भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में होने के बावजूद भी शांत रहता है। इस बीच पर एक किला भी है जिसे कि सिंक्वेरियम किले के नाम से जाना जाता है। यह बीच गोवा के जो मेन बीच है बागा बीच उसके नॉर्थ में स्थित है। यह बीच अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ में छुट्टियां मनाने के लिए काफी अच्छी जगह है। सिंक्वेरियम बीच और अगुआड़ा बीच एक दूसरे से सटे हुए हैं। 12th नंबर पर है दोस्तों आरांबोल बीच। आरांबोल बीच गोवा का एक खूबसूरत और शांत बीच है जो कि यहाँ आने वालों को बहुत अधिक पसंद आता है। नॉर्थ गोवा में स्थित यह बीच गोवा की जो राजधानी है पणजी वहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग को इंजॉय कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में यहाँ पर एक खूबसूरत बाजार भी लगता है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक ही अद्भुत और रहस्यमयी बाबा किला भी है यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ के किट्सची मार्केट में घूमने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आरांबोल बीच पर सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। आरांबोल बीच नॉर्थ गोवा में स्थित एक शांत बीच है और इसके एक किनारे पर कैरी नामक बीच है और दूसरे किनारे पर मौरजिम नामक बीच है। 13th नंबर पर है दोस्तों कंडोलिम बीच। नॉर्थ गोवा में स्थित यह बीच पणजी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और गोवा के अन्य फेमस बीचेस की तरह यह भी एक शानदार बीच है। यहाँ पर आप जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, कैटमरन सेलिंग, बनाना राइडिंग, सफरिंग, बम्प राइडिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आनंद उठा सकते हैं। नाइट लाइफ का आनंद देने के लिए भी ये काफ़ी अच्छी जगह है। दिसंबर के महीने में यहाँ पर समुद्र तट पर एक सनबर्न महोत्सव मनाया जाता है जो कि बहुत ही लोकप्रिय महोत्सव है और ये 3 दिन तक चलता है। 14th नंबर पर है दोस्तों वेगेटर बीच। वेगेटर बीच गोवा के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक है। यह बीच अपनी खूबसूरत सफेद रेत और आकर्षित चट्टानों के लिए फेमस है। यह वेगेटर बीच मुख्य दो भागों में बटा हुआ है, लिटिल वेगेटर और विग वेगेटर के रूप में जाना जाता है। आप वेगेटर बीच पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं और इसके अलावा नाइट लाइफ का भी आनंद ले सकते हैं। यह बीच अपने टूरिस्ट के मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी फेमस है और ये सभी के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा है। 15th नंबर पर है दोस्तों कोको बीच। नॉर्थ गोवा का यह कोको बीच डॉल्फिन राइड के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आप डॉल्फिन राइड का मज़ा उठा सकते हैं और आपको यहाँ पर डॉल्फिन देखने को भी मिल जाएगी। ये जो डॉल्फिन राइड है इसका रेट होता है 300 रुपीस पर पर्सन और ये सुबह अर्ली मॉर्निंग यदि आप डॉल्फिन राइड करते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस रहते हैं डॉल्फिन दिखने के। 45 मिनट से लेकर 1 घंटे की डॉल्फिन राइड आपको इस बीच पर करवाई जाती है जिसमें कि मिलेनियर पैलेस, सेंट्रल जेल, लाइट हाउस और फोर्ट अगोड़ा, ये 4 जो साइट सीइंग पॉइंट्स हैं आपको दिखाए जाते हैं और ये एक काफ़ी फेमस बीच है और टूरिस्ट के बीच में काफ़ी पॉपुलर बीच है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। दोस्तों ओल्ड गोवा में स्थित इस चर्च को ओल्ड चर्च के नाम से भी जाना जाता है और यह चर्च यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इंडिया के प्रमुख चर्च में से एक है और पूरे विश्व भर में भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो इस गिरजाघर को काफ़ी मानते हैं। इस चर्च का निर्माण 24 नवंबर 1594 में शुरू हुआ था और 15 मई 1605 को इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। दोस्तों बॉम जीसस बेसिलिका चर्च में सैंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष रखे हुए हैं। सैंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु 1552 में हुई थी। सी कैथेड्रल चर्च। यह सफ़ेद खूबसूरत चर्च गोवा के सबसे सुंदर चर्चों में से एक है और इसका निर्माण
1562 में किंगडॉम सेबिस्तो के शासनकाल के दौरान मुस्लिम सेना पर पुर्तगालियों की विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा चर्च है। अपनी सुंदरता और कलात्मक निर्माण शैली के कारण यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सी कैथेड्रल चर्च के अंदर 5 घंटियां लगी हुई हैं, जिनमें से गोल्डन घंटी सबसे बड़ी है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ गोवा। दोस्तों, यह म्यूजियम सी कैथेड्रल चर्च के पीछे ही बना हुआ है। 19वीं शताब्दी के मध्य में इस म्यूजियम को बनाया गया था। इसमें फारसी और अरबी में लिखे हुए शिलालेख और पुर्तगाली सेना द्वारा इस्तेमाल में किए जाने वाले हथियारों को रखा गया है। यहाँ पर पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान की काफ़ी सारी तस्वीरें भी लगी हुई हैं और काफ़ी सारा पुराना सामान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 19th नंबर पर है दोस्तों अंजुना फ्ली मार्केट। अंजुना बीच पर यह फ्ली मार्केट जो है वो काफ़ी फेमस मार्केट है। यहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट्स, फुटवेयर, वॉल हैंगिंग, मसाले, झूले और बेहतरीन कपड़े खरीद सकते हैं। दोस्तों, यह मार्केट अंजुना बीच पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगता है और ये जो मार्केट है ये हर वेडनेसडे के दिन लगता है। इसे वेडनेसडे मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। 20th नंबर पर है दोस्तों कैसीनो प्राइड। डेल्टन रॉयल की तरह यह भी एक फ्लोटिंग गेमिंग क्रूज है। यह 3 मंजिलों में फैला हुआ काफ़ी विशाल क्रूज है। इसमें लोगों के लिए काफ़ी सारे रोमांचक खेल मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी सारे गेम्स हैं। यह जो कैसीनो है ये कप्तान ऑफ पॉट्स जेटी पणजी में स्थित है। मंडे से लेकर थर्सडे तक यहाँ की एंट्री फीस 1500 रुपीज़ पर पर्सन होती है और फ्राइडे से लेकर संडे तक यहाँ की जो एंट्री फीस है वो होती है 2000 रुपीज़ पर पर्सन। आई होप दोस्तों नॉर्थ गोवा का ये टूरिस्ट प्लेसेस का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, हमारे चैनल पर ट्रेवल से रिलेटेड वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।